हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर दोस्तों आज मैं आपको रीजनिंग में पार्ट टू लेके आ रहा हूं आर्डर एंड रैंकिंग ठीक है क्रम निर्धारण उससे रिलेटेड मैं आपको और भी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ मेरी एक फर्स्ट वीडियो है जो कि प्ले में है आप देख सकते हैं ठीक है उसके आगे मैं और भी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ तो आइए देखते हैं यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे दोस्तों यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिससे उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके ठीक है आइये हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है अगर एक क्लास में नब्बे छात्र हैं और लड़कियां लड़कों से दुगनी है तो सुशांत शीर्ष से चौदहवें स्थान पर है अगर सुशांत से आगे दस लड़कियां हैं तो रैंक में उनके बाद कितने लड़के हैं तो इस क्वेश्चन को हमें करना है ऑप्शन देखिए अट्ठाईस चौतीस छब्बीस चौबीस है तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा ठीक है चाहे तो आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं फिर मैं आपको पांच सेकंड बाद इसका आंसर निकालता हूं ठीक है चलिए आइए हम देखते हैं तो एक क्लास में नब्बे छात्र हैं, टोटल कितने हैं हमारे पास टोटल टोटल है हमारे पास नब्बे ठीक है लड़कियां जो है लड़कों से दुगनी है मतलब क्या है गर्ल्स जो है बॉय से दुगनी है मतलब ये दुगनी है टू इंटू वन का रेशियो होगा इनका ठीक है यदि टू इंटू वन का रेशियो होगा तो दो एक तीन हो जाएगा ठीक है टू और वन ठीक है दो एक तीन हो जाएगा और तीन को हम यहां से डिवाइड करेंगे तो तीस तिई नब्बे हो जाएगा मतलब हमारा क्या है गर्ल्स कितनी हो जाएंगी तीस उन्नीस साठ हो जाएंगी और बॉयज कितने हो जाएंगे हमारे पास तीस हो जाएंगे यहां तक आपको समझ में आ गया होगा क्या हुआ देखिए यदि टोटल क्लास में नब्बे छात्र हैं ठीक है नब्बे हैं लड़कियां लड़कों से दुगनी है मतलब गर्ल्स जो है दुगनी है बॉयज से तो दो अनुपात एक का रेशियो हो जाएगा और इस दो एक को हम तीन कर देंगे तीन को हम तीन नब्बे से भाग कर देंगे तीस हो जाएगा मतलब एक की वैल्यू तीस हो गई तो दो की वैल्यू साठ हो जाएगी एक की वैल्यू तीस हो जाएगी तो वही हमारा हो गया अब देखिये यहाँ पे साठ प्लस तीस कर देंगे तो नब्बे टोटल हमारे पास नब्बे हो जाएंगे और गर्ल्स हमारे पास साठ हो गई और बॉयज हमारे पास तीस हो गए समझ में आ गया यहाँ तक ठीक है सुशांत जो है शीर्ष से चौदहवें स्थान पर है सुशांत जो है मान लीजिए यहां से शीर्ष से अब सुशांत जो है शीर्ष से चौदहवें स्थान पर है सुशांत शीर्ष से वो चौदहवें स्थान पर मान लीजिए यहां से वो है शीर्ष है ये शीर्ष से चौदहवें स्थान पर है। ये है आपका चौदहवा स्थान ठीक है चौदाहवा स्थान सुशांत है सुशांत जो है शीर्ष से चौदहवें स्थान पर है ठीक है चौदहवें स्थान पर है अगर सुशांत से आगे दस लड़कियां हैं अब सुशांत से आगे जो है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस लड़कियां हैं ठीक है तो रैंक में उनके बाद कितने लड़के हैं तो रैंक में उनके बाद कितने लड़के हैं ये हमारी बात कर रहा है तो ये चौदहवें स्थान पे कौन है सुशांत है तो इसके बीच में कितनी लड़कियां हैं ये दस लड़कियां हैं मान लीजिए ठीक है तो चौदहवा ये हो गया मतलब दस और उसके बाद क्या हो जाएगा मान लीजिए यहां से स्टार्ट होता है तो दस ये हो गए तो मतलब तीन लड़कियां तीन तीन लड़के और हो जाएंगे एक दो एक दो तो ये देखिए चौदाह बनेगा कि नहीं बनेगा देखिए एक दो तीन ये लड़के हो गए तीन लड़के हो गए फिर देखिए चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदहवें स्थान पे क्या हो गया हमारा सुशांत हो गया ऊपर से मतलब ऊपर से कितने लड़के हैं हमारे पास तीन लड़के हो जाएंगे और यहां पे देखिए दस लड़कियां हो जाएंगी यही तो मतलब हुआ भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि दस लड़कियां हैं तो दस लड़कियां हैं और चौदहवें स्थान पर सुशांत है और तो उसके ऊपर कितने लड़के बचेंगे तीन लड़के बचेंगे तो यहाँ पे तीन लड़के हो गए और एक सुशांत भी लड़का तो ही है तो तीन ये हो गए और एक सुशांत मतलब चार लड़के हो गए और टोटल हमारे पास कितने लड़के हैं टोटल लड़के हैं हमारे पास तीस तीस बॉय हैं तो तीस में से चार हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा छब्बीस मतलब छब्बीस लड़के जो होंगे वो सुशांत के क्या होंगे बाद आएंगे सुशांत के बाद कितने लड़के आएंगे छब्बीस लड़के आएंगे समझ में आ गया होगा आपको तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन सी तो ठीक है ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे छब्बीस ठीक है आपको समझ में आ गया होगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न इस प्रश्न में देखिये मोहनी नीता की तुलना में लंबी है लेकिन सरिता से छोटी नहीं है सरिता और मालिनी की ऊंचाई समान है मोहनी हेमा से छोटी है उनमें से दूसरा सबसे लंबा कौन है ठीक है इसको हमको निकालना है तो पहले हम क्या देखेंगे मोहनी जो है नीता की तुलना में लंबी है मोहनी तो हम मोहनी का क्रम ऊपर लिख देंगे मान लीजिए मोहनी हो जाएगा और किससे लंबी है किससे लंबी नीता की तुलना में लंबी है तो नीता हो जाएगी यहां पे देखिए नीता से लंबी हो गई ना ये ठीक है लेकिन सरिता से छोटी नहीं है लेकिन सरिता से छोटी नहीं है सरिता से छोटी कौन नहीं है तो मोहिनी जो है हमारा क्या होगा सरिता से छोटी नहीं है तो सरिता से छोटी नहीं मतलब सरिता से भी लंबी होगी ये। तो सरिता का हमें पता नहीं तो सरिता यहां हो जाएगी ठीक है अभी सरिता का हमारा क्लियर नहीं है अब देखते हैं सरिता से छोटी नहीं है सरिता और मालिनी की ऊंचाई समान है सरिता जो है मालनी की ऊंचाई समान है तो मोहनी हेमा से छोटी है मोहनी जो है हेमा से छोटी है तो ये हेमा हो जाएगी हेमा से छोटी है मोहनी जो है हेमा से छोटी है और सरिता जो है क्या है सरिता माल और मालिनी की ऊंचाई समान है सरिता और मालिनी की ऊंचाई जो है समान है सरिता और मालिनी की ऊंचाई जो है समान है तो इसमें क्या आ रहा है उनमें से दूसरा सबसे लंबा कौन होगा तो दूसरा जो है पहला ये हो जाएगा दूसरा हमारा मोहनी हो जाएगी तो दूसरा हमारा सबसे लंबा कौन निकल के आया मोहनी हो जाएगा ठीक है यहां पे दूसरा सबसे लंबा कौन है मोहनी है ठीक है दूसरा सबसे लंबा कौन है यहां पे मोहनी हो जाएगा ठीक है मोहनी तो मोहनी हमारा सही उत्तर हो जाएगा समझ में आ गया होगा ठीक है एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं देखिए मोहिनी जो है नीता की तुलना में लंबी है तो मोहिनी जो है नीता की तुलना में लंबी नीता से लंबी हो गई लेकिन सरिता से छोटी नहीं है सरिता से छोटी नहीं है तो सरिता से भी लंबी हो जाएगी मोहिनी तो ये हो सकता है सरिता का भी पोजीशन हमें क्लियर नहीं है सरिता हो सकता है नीता से भी लंबी हो या सरिता जो है नीता से छोटी हो ठीक है तो ये दोनों कंडीशन हो सकता है तो इससे हमें फिर सरिता और मालिनी की ऊंचाई समान है सरिता जहां होगी वहीं पे मालिनी हो जाएगी ठीक है चाहे वो यहां पे हो जाए चाहे जा यहां पे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है मोहनी हेमा से छोटी है तो मोहनी जो होगी हेमा से छोटी होगी ठीक है तो उसमें से दूसरा सबसे लंबा कौन है तो दूसरा सबसे लंबा कौन होगा मोहिनी हो जाएगा समझ में आ गया होगा आपको ठीक है आइए देखते हैं अगला प्रश्न अब इस प्रश्न में देखिए क्या है इस प्रश्न में क्या कह करें चार दोस्तों में से गोविंद की आयु कृष्ण की आयु से दुगनी है नंदू कृष्ण की आयु से आधा है ग्वाला कृष्ण से छह साल बड़ा है तो सबसे छोटा कौन है हमें सबसे छोटा निकालना है देखिये चार दोस्तों में गोविंद की आयु कृष्ण की आयु से दुगनी है मतलब गोविंद जो है कृष्ण से बड़ा है तो गोविंद यहाँ हो जाएगा बड़ा है तो गोविंद ऊपर हो जाएगा ठीक है और किससे बड़ा है कृष्ण से बड़ा है मतलब कृष्ण से बड़ा हो गया गोविंद चलिए ठीक है अब क्या कह रहे हैं नंदू जो है कृष्ण की आयु का आधा है नंदू जो है कृष्ण की जो आयु है नंदू आधा हो जाएगा तो नंदू छोटा हो जाएगा कृष्ण की आयु से आधा है ग्वाला जो है कृष्ण से छह साल बड़ा है ग्वाला जो है कृष्ण से छह साल बड़ा है छह साल बड़ा तो सबसे छोटा कौन होगा ग्वाला जो है कृष्ण से बड़ा है तो ग्वाला हो सकता है यहां पे भी हो जाए या वहां हो जाए तो हमारा ग्वाला का पोजीशन जो है कृष्ण से बड़ा है ठीक है छह साल बड़ा है तो सबसे छोटे की बात कर रहा है तो सबसे छोटा हमारा यहाँ पे नंदू हो जाएगा ठीक है सबसे छोटा पूछ रहा है तो सबसे छोटा हमारा क्या हो जाएगा नंदू हो जाएगा ठीक है लेकिन यहाँ पे सबसे बड़े की बात किया जाए तो क्लियर नहीं है हो सकता है गोविंद भी बड़ा हो जाए ठीक है क्योंकि एज किसी की नहीं दी है यहाँ पे तो अभी मैं सबसे बड़े की बात करता हूँ सी कर देते हैं हम ठीक है यहाँ पे तो हमारा सबसे छोटा पूछ रहा है इसलिए हमारा आंसर नंदू तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न एक पंक्ति में जहां सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं प्रिया बाएं छोर से पंद्रहवें स्थान पर और गरिमा के दाएं छोर से उन्नीसवें स्थान पर है वे अपनी स्थिति बदल लेते हैं और राम जो बाएं छोर से चौबीसवें स्थान पर बैठा है प्रिया के नए स्थान के बाई और पांचवें स्थान पर बैठा है पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं इसकी बात करते हैं तो हम पहले डायरेक्शन देख लेते हैं हमारा क्या होगा तो ये होता है हमारा उत्तर ये होता है दक्षिण ये होता है पूरब ये होता है हमारा पश्चिम तो मतलब हमारा जो डायरेक्शन है इधर की ओर मुख करके सब बैठे हैं तो हम क्या करेंगे पहले हम एक ठीक है बनाते हैं कैसे बनाते हैं देखिए अब क्या है प्रिया जो है बाएं छोर से पंद्रहवें स्थान पे है तो यहाँ से जो होगा बाया लेफ्ट होगा राइट होगा तो पंद्रहवें स्थान पे क्या है पंद्रहवें स्थान पे कौन है प्रिया है ठीक है ये होगा हमारा प्रिया की स्थिति हो गई अब जब हमारा प्रिया हो गई और गरिमा जो है दाएं छोर से उन्नीसवें स्थान पे है गरिमा जो है दाएं छोर से उन्नीसवें स्थान पे है गरिमा दाएं छोर से गरिमा है अब कह रहा है ये वे अपनी आपस में स्थिति बदल लेते हैं तो यहां पे हो जाएगी गरिमा और यहां पे हो जाएगा प्रिया ठीक है अब प्रिया हो गई अब जो है जो राम जो बाएं छोर से चौबीसवें स्थान पर बैठता है राम जो है चौबीसवें स्थान पे चौबीसवें स्थान पे क्या हो गया राम हो गया चौबीसवें स्थान पे लेफ्ट से बाएं से चौबीसवें स्थान पे कह रहा है तो यहां से हो जाएगा इसका चौबीसवा स्थान राम का यहां पे हो जाएगा राम तो ये हो जाएगा राम हमारा ठीक है राम जो है चौबीसवें स्थान पे है बाएं से ठीक है बाएं से चौबीसवें स्थान पे अब क्या कह रहा है प्रिया के नए स्थान प्रिया का नया स्थान ये हो गया के नए स्थान के बाई और पांचवें स्थान पर बैठा है राम तो राम जो है नए स्थान से पांचवा मतलब एक दो तीन चार पांचवा ये हो जाएगा मतलब ये उन्नीस है तो यहां से देखिए बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस तो ये चौबीसवां हो जाएगा मतलब हमारा जो है राम की स्थिति जो है देखा जाए तो यहां से भी चौबीसवां है और यहां से भी चौबीस है ठीक है तो जब हमारी राम की स्थिति दोनों तरफ से निकल के आ गई तो हम कुल कितने व्यक्ति हैं उसके हम टोटल निकाल लेंगे तो टोटल हम जब निकालते हैं तो क्या होता है टोटल के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन कर देते हैं ठीक है तो चौबीस प्लस चौबीस माइनस एक तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका अड़तालीस माइनस एक बराबर सैतालीस ठीक है फोर्टी सेवन तो यही हो जाएगा हमारा आंसर तो फोर्टी सेवन है हमारा सी में तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा फोर्टी सेवन ठीक है समझ में आ गया होगा आपको कैसे देखिए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं ये हमारा डायरेक्शन है ठीक है इसमें क्या कह रहा है एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे प्रिया बाएं छोर से पंद्रहवां है तो प्रिया जो है बाएं छोर से पंद्रहवें पे है और गरिमा बाएं छोर से उन्नीसवीं है गरिमा जो है बाएं छोर से उन्नीसवीं पे है ठीक है वे अपनी स्थिति बदल लेती हैं तो वो अपनी स्थिति बदल लेती हैं अब क्या कह रहा है और राम जो बाएं छोर से चौबीसवें स्थान पर बैठता है तो राम जो है यहां पे चौबीसवें स्थान पर बैठता है राम लेकिन यहां पे क्या है प्रिया के नए स्थान प्रिया के नए स्थान से पांचवें स्थान बाएं है ठीक है तो नया स्थान हमारा क्या है ये है प्रिया का और यहां से पांचवें स्थान नया मतलब इसके बीच में चार लोग होंगे तो देखते हैं इसकी स्थिति इधर से क्या हो जाएगी उन्नीसवा हमको यहां पता है तो उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस तो चौबीस हो गया मतलब इधर से भी चौबीस इधर से भी चौबीस हो गया तो हमारा लेफ्ट और राइट दोनों चौबीस चौबीस हो गया माइनस एक कर देंगे अड़तालीस माइनस एक सैतालीस तो यहां पे आंसर हो हमारा फोर्टी सेवन आइए देखते हैं अगला प्रश्न बावन छात्रों की एक कक्षा में बिलाल की रैंक अंतिम से ग्यारहवीं है सलमान की रैंक बिलाल से नौ ऊपर है शीर्ष से सलमान की रैंक कौन सी होगी ये हमें बताना है ठीक है टोटल हमारे पास कितना है बावन छात्र हैं ठीक है टोटल हमारे पास बावन छात्र हैं बिलाल की रैंक अंतिम से ग्यारहवीं है अंतिम से ग्यारहवीं है चलिए ठीक है, है? मान लीजिए ऊपर से अंतिम मतलब ऊपर से हमारा क्या होगा ग्यारहवीं होगा ये ग्यारहवीं हो गया ठीक है तो यहां पे कौन होगा बिलाल हो जाएगा बिलाल जो है ग्यारहवीं हो गया अंतिम से ग्यारहवीं सलमान की रैंक बिलाल से नौ ऊपर है सलमान की रैंक बिलाल से नौ ऊपर है 9 ऊपर कह रहा है बिलाल की रैंक जो है 9 ऊपर है ये ग्यारहवीं है तो 9 ऊपर बिलाल की रैंक अंतिम से ग्यारहवीं है अंतिम से ग्यारहवीं है तो सलमान की रैंक बिलाल से 9 ऊपर है 9 ऊपर कर दिया जाए इसको यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है अंतिम से तो हम नीचे से देखेंगे क्योंकि शीर्ष ऊपर होता है ठीक है शीर्ष ऊपर होता है और अंतिम नीचे किया गया है ठीक है तो यहाँ पे मान लीजिए यहां से हम देख रहे हैं ठीक है तो अंतिम से क्या है मान लीजिए अंतिम से बिलाल की स्थिति क्या है ग्यारहवीं यहाँ नीचे से अंतिम हो गया अंतिम से नीचे ग्यारहवीं हो गई बिलाल की स्थिति ठीक है क्योंकि शीर्ष ऊपर होगा हमारा अंतिम जो है इसमें नीचे की लिए बॉटम कहा गया ठीक है बॉटम ये बॉटम हो जाएगा ये हमारा शीर्ष हो जाएगा चलिए ठीक है अब सलमान की रैंक बिलाल से नौ ऊपर है तो सलमान की रैंक जो है बिलाल से नौ ऊपर है यहां पे यहां पे नौ बीच में होंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ कर देंगे ठीक है तो ग्यारह में नौ जोड़ देंगे तो बीसवीं रैंक हो जाएगी हमारी नीचे से बीसवीं हो जाएगी सलमान की रैंक तो सलमान की रैंक हमारी हो जाएगी बीसवीं ठीक है तो क्या कह रहा है सलमान की रैंक क्या होगी ये नीचे से हमारे पता चल गया कि सलमान की रैंक बीसवीं हो गई तो शीर्ष से ऊपर से, से हमारी रैंक क्या होगी ये हमें निकालना है तो हम ऊपर से निकालने के लिए है हमारा टोटल हमें पता है टोटल हमारे पास है बावन ठीक है और शीर्ष को क्या कहते हैं मतलब आपका ठीक है ये हो गया टॉप टॉप होता है हमारा लेफ्ट ठीक है लेफ्ट होता है टॉप और बॉटम होता है आपका राइट right. तो ये हमारा हमें क्या निकालना है लेफ्ट निकालना है मतलब आपका शीर्ष निकालना है हमें चलिए मान लीजिए शीर्ष निकालना है ठीक है शीर्ष निकालना है और बॉटम दिया हमारा मतलब अंतिम से बीसवा है ठीक है बीसवीं रैंक हमें पता है मतलब अंतिम से अंतिम से बीसवीं रैंक बॉटम दिया हमें बीसवीं ठीक है या राइट तो हम टोटल से क्या करेंगे देखिए हमें सीर्स निकालने के लिए क्या करेंगे टोटल माइन टोटल में प्लस वन कर देंगे और माइनस कर देंगे अंतिम मतलब हमारा बॉटम जो होगा बॉटम वाला हम माइनस कर देते हैं तो सीर्स टोटल हमारा है फिफ्टी टू प्लस वन कर देंगे और माइनस ट्वेंटी हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा बावन एक तिरपन माइनस बीस ये हो जाएगा हमारा थर्टी थ्री थर्टी थ्रीवीं रैंक होगी हमारा शीर्ष से ठीक है तो तीस तैंतीसवीं रैंक हमारा जो होगा ऑप्शन बी है ऑप्शन बी में क्या है आंसर हो जाएगा हमारा समझ में आ गया एक बार मैं आपको फिर से दिख बताया दे रहा हूं ठीक है बावन छात्रों की एक कक्षा अच्छा में बिलाल की रैंक अंतिम से ग्यारहवीं अंतिम से मतलब नीचे से बॉटम से कहा जाए अंतिम मतलब होता है बॉटम तो बॉटम से ग्यारहवीं है ठीक है फिर क्या कह रहा है सलमान की रैंक बिलाल से नौ ऊपर है तो सलमान की रैंक जो है बिलाल से नौ ऊपर मतलब इसी में नौ जोड़ देंगे तो बीस हो जाएगा ग्यारह में नौ जोड़ेंगे तो बीस हो जाएगा ठीक है तो हमारी सलमान की रैंक निकल आई शीर्ष से सलमान की रैंक मतलब टॉप से हमारा टॉप से सलमान की रैंक क्या होगी तो टॉप से निकालने के लिए हम निकाल लेते हैं मतलब टॉप तो टोटल प्लस वन माइनस बॉटम हो जाएगा तो हमारा तैतीसवीं आ जाएगी ठीक है आइए देखते हैं अगला प्रश्न इस प्रश्न को देखिए ए जो है बी से बड़ा है सी जो है डी से बड़ा है लेकिन ई e से छोटा है बी जो है डी से छोटा है और डी जो है ए से बड़ा है तो कौन सबसे बड़ा है इसको हम आढ़ क्रम में देखिए ए जो है बी से बड़ा है तो ए जो है ऊपर हो जाएगा बी से ठीक है बी से ए बड़ा है सी जो है डी से बड़ा है सी जो है डी से बड़ा है लेकिन ई e से छोटा है तो सी और डी ई अब बी जो है डी से छोटा है बी जो है डी से छोटा है कह रहा बी जो है डी से छोटा है और डी जो है ए से बड़ा है डी जो है ए से बड़ा है ये भी कह रहा है डी जो है बी से बी जो है डी से छोटा है लेकिन और डी जो है ए से बड़ा भी है तो डी जो है ए से बड़ा हो गया ठीक है अब सी जो है डी से बड़ा है सी जो है डी से बड़ा है लेकिन ई e से छोटा है C जो है D से बड़ा है लेकिन E से छोटा है ये देखिए बन गया हमारा तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है E है तो यहां पे E हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है आइए हम फिर से एक बार देख लेते हैं A जो है B से बड़ा है A जो है यहां से स्टार्ट करते हैं A जो है B से बड़ा है चलिए ठीक है फिर यहां पर देखिये बी जो है डी से छोटा है बी जो है डी से छोटा है और डी जो है ए से बड़ा है डी जो है ए से बड़ा है तो यहाँ डी जो है ए से बड़ा हो गया और बी जो है डी से छोटा हो गया चलिए ठीक है सी जो है डी से बड़ा है सी जो है डी से बड़ा है यहाँ पे सी जो है डी से बड़ा हो गया लेकिन ई e से छोटा है सी जो है ई e, डी से बड़ा तो है लेकिन ई e से छोटा है तो ई e से छोटा हो जाएगा हमारा सी तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा होगा हमारा सबसे बड़ा हमारा ई होगा तो ई हमारा जो होगा सही उत्तर हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया होगा आपको आइए देखते हैं अगला प्रश्न इस प्रश्न में देखिए पी क्यू से छोटा है लेकिन टी जो टी से बड़ा है आर सबसे बड़ा है और एस पी से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है तो ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में अंतिम दूसरा कौन है तो अंतिम दूसरा अवरोही मतलब क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर आरोही होता है बढ़ते क्रम में ठीक है और अवरोही जो होता है वो घटते क्रम में मतलब सबसे बड़ा होगा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा मतलब टॉप पे सबसे बड़ा होगा फिर उससे छोटा होगा ठीक है तो हम देखते हैं P जो है Q से बड़ा छोटा है पहले तो हम इसका क्रम देख लेते हैं ठीक है P जो है Q से बड़ा है P जो है Q से बड़ा है चलिए ठीक है Q से बड़ा हो गया P जो है Q से छोटा है P जो है Q से छोटा है गलत हो गया चलिए जो है क्यू से छोटा कह रहा है ठीक है लेकिन टी से बड़ा है पी की बात कर रहा है लेकिन टी से बड़ा है पी जो है क्यू से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है आर सबसे बड़ा है आर सबसे बड़ा है और एस पी से छोटा है आर जो है सबसे बड़ा है और ऐस जो है पी से छोटा है एस जो है पी से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है ये भी कह रहा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है मतलब एस यहां पे हो जाएगा हमारा तो ऊंचाई के अवरोही क्रम में अंतिम दूसरा तो अवरोही क्रम मतलब कैसे लिखा जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में तो घटता क्रम हमारा कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा ये हो जाएगा मतलब इसका देखा जाए तो हम अवरोही क्रम में लिखेंगे सबसे बड़ा फिर इससे बड़ा छोटा फिर इससे छोटा फिर इससे छोटा फिर इससे छोटा तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम ठीक है अवरोही क्रम में हमारा कह रहा है अंतिम से दूसरा कौन है तो अंतिम से दूसरा जो होगा हमारा एस होगा ठीक है ये अंतिम हो गया ये हमारा दूसरा हो जाएगा तो आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समझ में आ गया होगा आपको पहले तो हम इस क्रम में लिख लेंगे तभी हम इसको अरेंज कर सकते हैं ठीक है यही हमारा कह देता आरोही के जगह पे अवरोही क्रम कह देता तो हम यहां से करते टी कर देते टी से बड़ा एस एस से बड़ा पी पी से बड़ा क्यू क्यू से बड़ा आर हो जाता और अंतिम से दूसरा कौन होता हमारा यहाँ पे क्यू हो जाता तब तो आंसर कौन निकलता तब क्यू यदि हमें यहाँ पे अवरोही के जगह पे आरोही क्रम में सेट करना होता और अंतिम से दूसरा पूछता तो हमारा यहाँ पे क्यू हो जाता समझ में आ गया होगा आपको ठीक है आइए देखते हैं अगला प्रश्न छह गेम एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं यूनो सांप सीढ़ी के ऊपर ठीक ऊपर है मोनोपोलो लूडो और शतरंज के बीच में है कैरम यूनो you know, और लूडो के मध्य में है कैरम और मोनोपोलो गेमों के मध्य कौन सा गेम होगा ये बात कर रहा है ठीक है छह गेम हमारे पास दिए गए हैं तो छह गेम है यूनो you know, जो है सांप सीढ़ी के ठीक ऊपर है तो मतलब यूनो you know, जो है ठीक है वो कहां पे है सांप सीढ़ी के ऊपर है ठीक है सांप सीढ़ी के ठीक ऊपर कह रहा है ठीक ऊपर है चलिए ठीक है मोनोपोलो लूडो और शतरंज के बीच में है अब मोनोपोलो जो है मोनोपोलो जो है लूडो और शतरंज के बीच में है मतलब लूडो और शतरंज शतरंज के बीच में होगा चाहे ये ऊपर हो जाएगा चाहे ये नीचे हो जाएगा मतलब हमारा कहने का मतलब है ये चाहे लूडो शतरंज यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी लूडो हो सकता है ठीक है दोनों हो सकते हैं ठीक है थीज़ी? मतलब लूडो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों हो सकते हैं तो अभी हमारा इसका क्रम नहीं है लेकिन ये मोनोपोलो जो है इन दोनों के बीच में होगा ये कह रहा है ठीक है मोनोपोलो लूडो और शतरंज के बीच में है कैरम जो है यूनो और लूडो के मध्य में है कैरम की बात कर रहा है यूनो तो हमको पता है तो कैरम यहां पे हो जाएगा कैरम और कैरम जो है यूनो यूनो ये हो गया लूडो के मध्य तो लूडो ऊपर हो जाएगा हमारा अब जब हमें लूडो पता चल गया तो ठीक है लूडो पता चल गया तो लूडो और शतरंज के बीच में कौन है मोनोपोलो है तो यहां पे लूडो से ऊपर हो जाएगा मोनोपोलो और सबसे ऊपर हो जाएगा हमारा शतरंज तभी तो होगा शतरंज और लूडो के बीच में मोनोपोलो होगा यह हमारा क्रम बन गया ठीक है अब क्या कह रहा है कैरम और मोनोपोलो कैरम और मोनोपोलो के बीच में कौन सा गेम होगा तो कैरम यहां पे है और मोनोपोलो हमारा यहां पे है ठीक है कैरम और मोनोपोलो के मध्य कौन सा होगा हमारा तो यही होगा लूडो तो लूडो हमारा जो है ऑप्शन डी में है तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा लूडो समझ में आ गया होगा आपको चलिए ठीक है एक बार मैं देखता हूं और बता देता हूं ठीक है छह गेम एक दूसरे के ऊपर है।, है यूनो जो है सांप सीढ़ी के ठीक ऊपर है चलिए ठीक है ठीक ऊपर है, है। मोनोपोलो लूडो और शतरंज के बीच में मोनोपोलो जो देखिए लूडो और शतरंज के बीच में ये है यह भी ठीक है कैरम यूनो और लूडो के मध्य में है कैरम जो है यूनो और लूडो के मध्य में है ये भी सही है ठीक है तो कैरम और मोनोपोलो गेम के मध्य कौन सा है कैरम और मोनोपोलो के मध्य लूडो होगा ठीक है तो लूडो हमारा आंसर हो जाएगा ठीक समझ में आ गया होगा आपको आइए देखते हैं अगला प्रश्न विभिन्न मोटाई की पांच पुस्तकें हैं ए सी से मोटी है और बी जो है डी से मोटी है ई e जो है बीजी से पतली है ई e जो है लेकिन ई e से सी से मोटी है डी जो है सी से पतली है सबसे पतली पुस्तक कौन सी है तो हम मोटी वाले को ऊपर रखेंगे पतली वाले को नीचे रखेंगे ठीक है विभिन्न मोटाई की पांच पुस्तकें हैं ए जो है सी से मोटी है तो ए जो है हमारा ए सी से मोटी है तो मतलब ये पतली वाली नीचे होगी मोटी वाली ऊपर होती जाएगी और बी जो है डी से मोटी है बी और डी ई जो है बी से पतली है ई जो है बी से पतली है लेकिन ई जो है बी से पतली है और ई लेकिन सी से मोटी है ई जो, जो है सी से मोटी है सी से मोटी है डी जो है सी से पतली है डी जो है सी से पतली है तो डी नीचे हो जाएगा हमारा ठीक है और क्या कह रहा है ई सी से मोटी है लेकिन ई लेकिन सी से मोटी है ई जो है सी से मोटी है और ई जो है बी से पतली है और बी जो है डी से मोटी है हाँ तो बी तो ऊपर ही होगा ना तो यहां पे देखिए बी यहां पे हो जाएगा कह रहा है बी जो है डी से मोटी है तो बी तो ऊपर ही होगा ई e जो है बी से पतली है ई e जो है बी से पतली है तो ये ई e यहां पे हो जाएगा बी से पतली इसके नीचे हो जाएगा लेकिन ई e, लेकिन सी से मोटी है ई e जो है सी से मोटी मतलब इनके बीच में होगा ठीक है तो हमारा जो बन के आ रहा है ये ए हो गया ठीक है लेकिन एक सबसे मोटी नहीं पता चल रहा है ठीक है सबसे पतली पुस्तक कौन सी है तो सबसे पतली की पुस्तक देखिए ए गया यहाँ पे बी और ई में अभी क्लियर नहीं है कि ये ए के ऊपर भी होगा कि कहाँ होगा ठीक है लेकिन सी इन ए सी के बीच में ही होगा ठीक है और डी ये क्रम हमको पता चल रहा है ठीक है तो सबसे पतली पुस्तक की बात करेगा तो ये यहाँ पे होगा सबसे पतली पुस्तक डी तो डी हमारा जो होगा ऑप्शन में है करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन डी ठीक है बी में ऑप्शन बी जो है डी ऑप्शन सही होगा ठीक है सबसे पतली पुस्तक डी होगी समझ में आ गया देख लेते फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं इसमें देखिए इस वाले ग्राफ में देखिए ए जो है सी से मोटी है ए जो है सी से मोटी है है और बी जो है डी से मोटी है बी जो है डी से मोटी है ई जो है बी से पतली है ई जो है बी से पतली है ई लेकिन सी से मोटी है ई जो है लेकिन सी से मोटी है वो ऊपर तो मोटी है डी जो है सी से पतली है डी जो है सी से पतली है तो सबसे पतली पुस्तक डी हो जाएगी समझ में आ गया होगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न आज का ये आखिरी क्वेश्चन है देखिए विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन का क्रम दाई ओर से दसवां है सोहन का क्रम बाई ओर से पच्चीसवा है जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मोहन का क्रम दाई ओर से बाईसवां हो जाता है तो सोहन का बाई ओर से नया क्रम क्या होगा बताइए तो इसको हम ग्राफ की मदद से बनाएंगे ठीक है पहले हमने ये ग्राफ बना लिया ये हो गया हमारा लेफ्ट ये हो गया हमारा राइट ठीक है ये लेफ्ट हो गया ये हमारा राइट हो गया समझ में आ गया अब क्या कह रहा है मोहन का क्रम दाई ओर से दसवां है तो दाई से मतलब राइट से यहां क्या होगा मोहन हो जाएगा ठीक है मोहन का क्रम जो है दाई ओर से दसवां है तो यहाँ पे दसवां हो जाएगा चलिए ठीक है फिर क्या कह रहा है सोहन का क्रम ओर से पच्चीसवां है सोहन का क्रम यहां पे होगा सोहन हो जाएगा और इसका क्रम जो होगा पच्चीसवा हो जाएगा कहा से बाई ओर से ठीक है पच्चीसवां हो जाएगा जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मतलब यहां पे हो जाएगा सोहन और यहां पे हो जाएगा मोहन वो अपना स्थान बदल लेते हैं ठीक है बदल लिया इन्होंने जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मोहन का क्रम दाई ओर से बाईसवां हो जाता है तो मोहन यहां पर है मोहन का क्रम जो है दाई ओर से क्या हो जाएगा बाईसवां हो जाता है बाईसवां हो जाता है कहां से इधर से ठीक है और इसका हमें यहाँ से पता चल गया ये लेफ्ट से हो गया ठीक है तो ये दोनों हमें पता चल गया तो हम आसानी से क्या निकालेंगे देखिए फिर तो सोहन का बाई ओर से नया क्रम क्या होगा तो सोहन का बाई ओर से इधर ही से पूछ रहा है लेफ्ट से हमारा यहाँ का नया क्रम क्या होगा तो इधर से हमको ये दसवां पता है ठीक है इधर से तो हम इधर से निकाल लेंगे, से निकाल लेंगे जब हमें टोटल पता चल जाएगा तो टोटल के लिए हमें जब देखिए टोटल हम निकाल लेंगे तो टोटल क्या होता है लेफ्ट और राइट तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन कर देंगे तो लेफ्ट हमारा क्या है पच्चीस हो जाएगा और प्लस बाईस हो जाएगा और माइनस एक कर देंगे तो इसको हम जोड़ते हैं क्या हो जाएगा पाँच दो सात और दो दो चार माइनस एक बराबर छियालीस तो यहां पे जो होगा हमारा टोटल कितना आएगा फोर्टी सिक्स हो जाएगा छियालीस हमें पता चल गया पूरा है तो हमारा ये दसवां है तो हम इसका निकाल लेंगे मतलब हम सोहन का क्या निकालना है हमको लेफ्ट निकालना है तो लेफ्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे टोटल प्लस वन माइनस राइट कर देंगे तो राइट right इसका मैं घटा दूंगा टोटल हमें पता चल गया छियालीस है प्लस वन माइनस दस कर देंगे तो छियालीस एक सैतालीस हो जाएगा और माइनस दस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा थर्टी सेवन तो लेफ्ट का हमारा क्या आ जाएगा थर्टी सेवन ठीक है तो थर्टी सेवन हमारा किस में है ऑप्शन सी में है तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा थर्टी सेवन समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार इसको डायरेक्टली आपको बता सकता हूं ठीक है डायरेक्टली में क्या हमने बताया था कल के हमारा वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यदि हमें यहां पे देखिए क्या बता है मोहन का क्रम दाई ओर से दाया यहाँ पे पता है ठीक है बाईस है तो दाया मतलब हो गया हमारा राइट पता है तो हम ऊपर से लेफ्ट वाला लेंगे बाई और से पच्चीसवा तो ये हमारा बाया वाला लेंगे तो इसी को हम जोड़ देंगे और माइनस ये कर देंगे तो हमारा टोटल निकल के आ गया टोटल जब निकल के आ गया तो मोहन का हमारा दसवां है पता तो हम टोटल से दस घटा देंगे टोटल में प्लस वन माइनस दस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा तो देखिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन करेंगे तो छियालीस हो गया और फिर लेफ्ट निकालना है तो टोटल प्लस वन माइनस राइट कर देंगे तो हमारा सैंतीस आ जाएगा हम चाहे तो इस ग्राफ की मदद लें या न लें ठीक है मदद लेते हैं तो और अच्छे से हमारा क्लियर हो जा रहा है ठीक है समझ में आ गया होगा आपको तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो जय हिंद जय भारत